गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस एक्सरसाइज 7.5 फ्रॉम द 12th सम, है ना। यस्टरडे वी हैव डन अप टू 11th सम, सो इट इज बेस्ड ऑन द पार्शियल फ्रैक्शन। सो लेट अस स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। तो सबसे पहले मैंने सम लिख दिया यहाँ पे 12th सम, एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। सो व्हाट इज देयर, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर कैसे पता चलता है, जब न्योमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो। तो यहाँ पे डिग्री 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ये ज्यादा है ना, यहाँ पे 2 है। तो नाउ व्हाट यू विल डू, सबसे पहले मैंने कहा था अगर इम्प्रॉपर है तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। सो लेट अस डिवाइड एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो व्हाट यू विल राइट हियर, ये आपने 9th क्लास में सीखा हुआ है, एक्स क्यूब माइनस एक्स यहाँ पे। तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दिस इज कैंसल। तो एक्स प्लस एक्स टू एक्स प्लस वन। अब आगे हम डिवाइड नहीं करेंगे, डिवाइड कहां पे रोकना होता है, व्हेन इट्स अ डिग्री, द डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर। जब इसकी डिग्री अब क्या है 1, तो इसकी डिग्री क्या है 2, तो ये इससे कम है, तो इसमें यू विल स्टॉप हियर। सो अब इसको कैसे लिखते हैं, हाउ यू विल राइट दिस, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू, है ना। व्हाट यू विल राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट अप वन एक्स एक्स प्लस, यार बिल्कुल ऐसे लिखते हैं, 9 है ना, 4 2 8, तो कैसे लिखते हैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, 2 प्लस रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 अपॉन दिस, और इसको क्या लिख दोगे 2 1 बाय 4, बिल्कुल यही मेथड होगा ना हमने लिखने का इसको। सो नाउ व्हाट विल बी देयर, एक्स प्लस रिमाइंडर क्या है 2x प्लस 1 अपॉन डिवाइड किसके साथ किया था, एक्स स्क्वायर माइनस वन के साथ। तो अब ये देखते हैं क्या करेंगे वहां पे, नाउ व्हाट यू विल डू, अब क्या करोगे आप, देखो दो मेथड है, या तो अगर बिना पार्शियल के मैं कर दूंगा अभी, है ना, कैसे सुनो इधर, आई कैन राइट लाइक दिस वे। एक तो देखो इसकी तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स का इंटीग्रेशन आपने कर देना एक्स स्क्वायर बाय 2, रेडी प्रॉब्लम इसकी, इसको आप वो भी ले सकते हो। देखो इसको नीचे पार्शियल फ्रैक्शन के साथ करोगे तो ऐसे करोगे, देखो 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, फिर ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन, ऐसे लिखोगे। एक तो इसका इंटीग्रेशन बता रहा हूं मैं, इसका इंटीग्रेशन ऐसे कर दोगे आप, है ना, ये फॉर्म बन जाएगी पार्शियल फ्रैक्शन की। अगर इससे नहीं करना, अगर आपने कुछ देखो वहां पे लिखा तो होगा नहीं कि बाय पार्शियल ही करो, उन्होंने तो इंटीग्रेशन मांगा, आप जैसे भी कर सकते हो। तो अगर एक और मेथड में ऐसे लगाऊंगा, सुनो एक्स प्लस इसको मैंने क्या लिख दिया, सेपरेट करके, हाउ कैन सेपरेट 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये लिख दिया मैंने, है ना। यहाँ पे देखो ये इस मेथड से भी कर सकते हो आप, ठीक है। और एक दूसरा मेथड ये है जो मैं बता रहा हूं, ये पार्शियल से हो गया, ये विदाउट पार्शियल कर रहा हूं। तो नाउ व्हाट यू कैन राइट, देखो इधर क्या हो जाएगा, इसका तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, देखो ये इसका ये एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है 2x, तो डायरेक्टली मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस, इसको क्या करोगे, देखो 1 अपॉन √x² - a² है ना, ये फॉर्मूला हमने किया 7.4 में से पहले, x² - a² तो ये होता है 1/2a log x - a अपॉन x + a, ऐसे ही कुछ होता है ना इसका, x - a ऊपर ही आएगा, देखो एक बार मैं चेक कर लू, है ना, वैसे यही है log x - a अपॉन x + a यही होना चाहिए, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं हम, log अच्छा यार फॉर्मूला तो हाँ बिल्कुल यही है, लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, 1/2 a तो 1 है, लॉग क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है ये आ गया। अब प्लस क्या कर दो साथ में, अब आप आंसर चेक करो, आंसर में ऐसा आंसर नहीं मिलेगा आपको, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ अगर पार्शियल फ्रैक्शन से करते हो आप तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर वैसे ही मिल जाएगा, है ना। अगर आपने ये मेथड लगाना, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का मतलब इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा थोड़ा सा और, कैसे सुनो इधर, अगर पीछे आपने मुझे पता है आपने एनसीईआरटी में आंसर में लाना है ना, तो थोड़ी सी मेहनत करो और। हाँ अगर पार्शियल से करोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, है ना, ये भी सही है, लेकिन थोड़ा इसको सोल्व कर दो। तो व्हाट यू कैन राइट हियर, x + 2 यहां तक भी वैसे ठीक माना जाएगा, चलो कोई बात नहीं, log x - 1
एक्स प्लस वन, इसको क्या लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी प्लस हाफ, इसको क्या लिख दिया हमने, लॉग एक्स माइनस ए माइनस लॉग एक्स प्लस ए, वी कैन राइट लाइक दिस वे प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं बेटा, लॉग एम अपॉन एन लॉग एम माइनस लॉग एन। अब ये वन बाय टू दोनों के साथ है तो वन बाय टू यहां पे भी लगा दो, इसके साथ भी वन बाय टू लगाओ, ब्रैकेट खोल दी मैंने, और यहां पे भी क्या लगा दो, वन बाय टू है ना। अब देखो इसको भी खोल दो, अब एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस लॉग एक्स माइनस वन प्लस लॉग एक्स प्लस वन, ये क्या फॉर्मूला लगा मैंने, लॉग एम इंटू एन है, ये क्या है लॉग एम इंटू एन, तो ये क्या होता है लॉग एम प्लस लॉग एन है ना। तो नाउ व्हाट विल बी देयर, हाफ लॉग, अरे यार यहाँ पे ना एक्स माइनस वन था, यहाँ पे क्या लगा दोगे, माइनस वन, ए की वैल्यू क्या थी, वन ही तो थी, लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ए की जगह पे क्या है वन, तो यहाँ पे वन चलेगा भाई, वन यहाँ पे क्या है वन ना, तो ये क्या हो जाएगा हाफ लॉग एक्स प्लस वन प्लस सी, ये चलता रहेगा, ये लिख दिया मैंने लॉग, ये वाला रह गया ना लॉग एक्स माइनस वन, आगे ये भी लिखना था प्लस हाफ माइनस का था, माइनस हाफ लॉग एक्स प्लस वन प्लस सी लिख दिया। अब नाउ व्हाट यू कैन राइट, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस, ये देखो लॉग एक्स माइनस वन है ना, इस जैसा ही बिल्कुल कौन सा है, लॉग एक्स माइनस वन यहां पे था, ये रहा, ये वन है लॉग एक्स माइनस वन, ये हाफ है, सेम है ना बेटा, देखो लॉग एक्स माइनस वन कॉमन निकालोगे तो पीछे क्या रहेगा, वन प्लस हाफ, देखो ना बिल्कुल सेम एरिया, सेम क्या कह सकते हैं हम, सेम लाइक टर्म्स कह सकते हैं, लॉग एक्स माइनस वन लॉग एक्स माइनस, ये कितना है हाफ, ये कितना है वन, वन प्लस हाफ कितना होता है थ्री बाय टू, तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, थ्री बाय टू लॉग एक्स माइनस वन प्लस, अब ये देखो ये भी लाइक टर्म्स है, वन लॉग एक्स प्लस वन है, ये माइनस हाफ है, तो वन में से माइनस हाफ करोगे तो क्या रह जाएगा, प्लस हाफ रह जाएगा, हाफ लॉग एक्स प्लस वन प्लस सी, तो ये आंसर होना चाहिए आपका एनसीईआरटी में है ना। तो चेक कर लेना, ये आंसर दिखाई दे रहा है आपको नीचे, वैसे थोड़ा सा दिख नहीं रहा ना, मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूं अभी कैमरा, ये देख लो है ना, ये था, ये एक्स स्क्वायर बाय टू ऐसे लिख दिया, ये लॉग एक्स माइनस वन हाफ एक्स माइनस वन था, तो ये वन प्लस हाफ क्या हो गया, थ्री बाय टू लॉग एक्स माइनस वन प्लस हाफ लॉग एक्स प्लस वन प्लस सी, तो चेक कर लेना इसके आंसर। एक दूसरा मेथड ये था वो कौन सा, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, वो भी आपको मिल जाएगा। तो नोट डाउन द क्वेश्चन, नाउ 13 सम विल डू, टू पॉन वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो नाउ ये देखो ये क्या है, एक लीनियर आ रहा है नीचे, एक लीनियर आ रहा है और यहां पे क्या आ रहा है क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, वी विल राइट दिस टू पॉन वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या होता है ए पॉन क्या लिखते हैं लीनियर वन माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखते हैं हम, ये लिखते हैं ना, देखो ये 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 फॉर्म बताइए मैंने, जब एक क्वाड्रेटिक हो एक क्या हो लीनियर हो, तो नाउ व्हाट यू कैन राइट फॉर दिस, व्हाट यू कैन राइट, नाउ यू टू इज इक्वल टू होना, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा ए वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वन माइनस एक्स, ये आ जाएगा। अब इसकी जीरो निकालो पहले, एक्स इक्वल टू क्या पुट कर दो वन, क्योंकि इसकी इसको जीरो कौन बनाएगा, वन बनाएगा, एक्स इक्वल टू वन, तो एक्स इज इक्वल टू वन, वन पुट कर दो व्हाट विल बिकम दिस, टू इज इक्वल टू वन पुट करोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन प्लस वन टू टू ए, ए इज इक्वल टू क्या रह गया वन रह गया, ए वन रह गया है ना, ये तो जीरो ही बन जाएगा ना यहाँ पे। अब बी की वैल्यू निकालनी है, बी और सी की है ना, तो हाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी एंड सी, बी एंड सी की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो अब हमें कंपेयर करना ही पड़ेगा ना, बी एक्स प्लस सी लिखा था वहां पे हमने है ना, तो अब कंपेयर करो किसकी वैल्यू, देखो पहले बी किसके साथ आ रहा है, एक्स के साथ आ रहा है बी, बी एक्स हाँ आ रहा है ना, तो एक्स की वैल्यू कंपेयर करो, एक्स की इधर क्या है वैल्यू, इधर तो एक्स की क्या है जीरो है ना, इज इक्वल टू यहां पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखो ए हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे बी एक्स, इसको सॉल्व करके देख लो ये क्या आ जाएगा, बी एक्स
पहले क्या आएगा बी एक्स, फिर माइनस बी एक्स स्क्वेयर, बी एक्स स्क्वेयर, फिर क्या आएगा सी प्लस सी माइनस सी एक्स, माइनस सी एक्स, ये भी आएगा ना यहाँ पे। अब देखो इधर ध्यान से देखो, पहले चलो यहां से सी की वैल्यू हमें ढूंढनी है ना, तो किसकी वैल्यू में एक्स के कंपेयर कर रहा था, एक्स की वैल्यू क्या आएगी देखो बी एक्स माइनस सी एक्स, बी एक्स माइनस सी एक्स, तो मतलब क्या है यहाँ पे बी माइनस सी आता है, लेकिन यहाँ पे मुझे अभी ना बी की वैल्यू पता है ना सी की वैल्यू पता है, तो अब दूसरा किसकी वैल्यू निकालनी हमने सी की, कॉन्स्टेंट की वो कर लो ना कॉन्स्टेंट। देखो बेटा इसको पूरे को सॉल्व करोगे आप, जब पूरे को सॉल्व करोगे तो पूरे को सॉल्व मैंने जैसे ये कर दिया बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस सी एक्स ना, तो अब किसकी वैल्यू कंपेयर कर दो, चाहे एक्स स्क्वायर की कर दो और यू कैन कंपेयर द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी कर सकते हो। यहां पे क्या आएगा ए प्लस सी आ जाएगा ना यहाँ पे, तो कॉन्स्टेंट यहाँ पे क्या है टू, टू इज इक्वल टू ए प्लस सी, यहाँ पे एक ये सी बच रहा है कॉन्स्टेंट और दूसरा क्या बच रहा है यहाँ पे ए बचेगा ना, तो ए की वैल्यू मुझे पता है क्या है वन, वन प्लस सी, तो वन इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो सी इज इक्वल टू क्या रह गया वन रह गया ना, सी वन रह गया, तो अब यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर दो आप जीरो इज इक्वल टू बी माइनस वन, तो बी इज इक्वल टू क्या हो गया वन हो गया, तो ए क्या आ गया वन, बी इज इक्वल टू क्या आ गया वन, सी इज इक्वल टू क्या आ गया वन आ गया, तो ये वैल्यू थी इसकी, ये वैल्यू तो हमारे पास आ गई है सारी एबीसी की, तो अब इसका क्या कर लो, अब इसका क्या करोगे यहाँ पे पुट कर देंगे हम, तो ए बी वन बी बी वन, मैं इसको रब कर रहा हूं थोड़ा सा, ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई वन आ गई ना, नाउ नाउ विल पुट हेयर है ना, इसमें पुट करना है बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस है ना, तो ये क्या हो जाएगा टू बाई वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए, ए की वैल्यू क्या थी वन अपॉन वन माइनस एक्स प्लस बी, बी की वैल्यू क्या थी वन एक्स, सी की वैल्यू क्या थी वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, यही आ रहा था, देखो चेक कर लो एक बार ना, चेक कर लेना एक बार इसको ना, तो अब इसका क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, ऐसे इंटीग्रेशन फिर देखो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, दोबारा पार्शियल फ्रैक्शन लगाना, पार्शियल फ्रैक्शन भी लग जाएगा, नहीं तो देखो जो सीधा इसका इसको ना सेपरेट करके लिख लेते हैं हम, कैसे सुनते हैं इसका, तो सीधा लिख दूं मैं, देखो यहाँ पे क्या है इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, यहाँ पे माइनस वन लगा दिया मैंने, देखो ना इसका डेरिवेटिव क्या होता है वन माइनस एक्स का, माइनस वन आएगा माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया बाहर भी माइनस निकाल दिया, तो ये हो गया, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस लॉग वन माइनस एक्स, अब यहाँ पे क्या होगा देखो इसको ऐसे लिख लो आप एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, इसको अलग अलग करके लिख रहा हूं वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, अब ये देखो इसका डेरिवेटिव मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है टू एक्स, तो इफ आई विल राइट हियर टू, तो यहाँ पे वन बाय टू, ये बहुत जगह पे यूज होना है कंसेप्ट, तो यहाँ पे टू लिख दिया यहाँ पे टू लिया, टू के साथ टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये मतलब क्या जाएगा ऊपर एक्स ही था, अब इसका क्या कर दो डेरिवेटिव कर दो सॉरी इंटीग्रेशन कर दो वन माइनस एक्स प्लस हाफ, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो यहाँ पे क्या आ गया लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, इसका क्या होता है वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होता है जी इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या होगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, वन अपॉन ए की जगह पे क्या है वन, तो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस सी, तो ये आना चाहिए ना इसका, दिस शुड बी द आंसर, तो एक बार चेक कर लेते हैं हम है ना 7.5, क्योंकि यहाँ पे अगर पार्शियल से किया होगा तो थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, लेकिन हम चेक कर लेते हैं इसका, देखा सवाल हमारा 7.5 का 13 माइनस लॉग वन माइनस एक्स वन माइनस एक्स, चलो देखते हैं प्लस हाफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, यहाँ पे एक्स माइनस वन आ रहा है ना इनका, यहाँ पे एक्स माइनस वन, तो यहाँ पे क्यों आ रहा है माइनस, देखो हमने कहा गलती तो नहीं किया है, लॉग वन माइनस एक्स ही था यहाँ पे है ना, ये माइनस भी था यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव भी था माइनस, यहाँ पे वन माइनस एक्स कर दो ये, तो यहाँ पे माइनस वन लॉग एम माइनस लॉग एन, ये सही है यार, यहाँ पे प्रॉब्लम कैसे आ रही है, अ
आंसर में यहाँ पे 13 सवाल है ना, ये माइनस लॉग एक्स माइनस वन आ रहा है ना यहाँ पे, वन एक्स माइनस वन प्लस हाफ लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। यहाँ पे ये हो सकता है कि माइनस कॉमन निकाला गया होगा, यहाँ पे देखो माइनस कॉमन निकाल लो ना, लॉग माइनस मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको यहां से माइनस वन कॉमन लिख दिया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन ये हो जाएगा। अब इसको लॉग एम इंटू लॉग एन लिख दोगे, क्या लिख दोगे लॉग एम इंटू लॉग एन, देखो अगर वही आंसर बनाना है आपने ना, तो ये क्या लिख दोगे लॉग एम इंटू लॉग एन, तो फिर बार इसको क्या लिख दोगे, देखो यहां पे करके दिखा रहा हूं मैं आपको, माइनस अगर आपने वही आंसर लिखना है तो लॉग माइनस वन ठीक है प्लस लॉग एक्स माइनस वन ये हो जाएगा है ना। अब इसको क्या लिख दो फिर माइनस आ जाएगा, इसके आगे भी इसके आगे भी माइनस आ जाएगा, तो ये लॉग माइनस लॉग वन जो होगा वो किसमें चला जाएगा माइनस वाला, वैसे ये होगा नहीं, आप इसको क्या कर दो इसको कांस्टेंट में ही ले जाओगे, आप इसको क्या ले जाओगे इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी कांस्टेंट में आएगी, तो ये आप इसके इस तरह से कर सकते हो, नहीं तो ये भी आंसर सही है, ये आपकी कोई दिक्कत नहीं है। आप सुनो डाउन द क्वेश्चन, अब इसका देखो 14 सम का रूल तो देखो ये कहता है इसका ना, क्या रूल है जब नीचे क्या हो ऊपर लीनियर है और नीचे क्या क्वाड्रेटिक एक्स प्लस टू का स्क्वायर है, तो व्हाट यू कैन राइट दिस 3x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू का स्क्वायर, ये क्या होता है a अपॉन एक्स प्लस टू प्लस b अपॉन एक्स प्लस टू का स्क्वायर, ये वाली फॉर्म बताई थी मैंने, ये वो पांच फॉर्म्स हमने की थी, एक ये की थी ना, या तो इससे कर लो आप बिल्कुल है ना, या ये क्या कर सकते हो देखो इधर एक और आसान सा मैं सीधा डायरेक्ट बताता हूँ ना, ये कौन सा समय ये हमारे पास यहाँ देखो स्टेटमेंट तो सही है बिल्कुल यही समय है ना, या तो ऐसे कर लो ठीक है, यहाँ एक और देखो बिल्कुल ऐसे आप ए और बी की वैल्यू निकाल लो उसके बाद हो जाएगा, या एक आप सीधा कर सकते हो सुनो इधर इसको मैं बिना पार्शियल के कैसे करूंगा, एक तरीका तो ये होगा आप इससे करोगे है ना पार्शियल फ्रैक्शन से, एक ऐसे कर दो देखो मैंने लिख दिया 3x अपॉन x प्लस टू का होल स्क्वायर, ये लिखा मैंने माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, एक इससे कर रहा हूं मैं देखो सीधा डायरेक्टली कर रहा हूं इसके बिना है ना, ए बी की वैल्यू निकालने के बिना करके बता रहा हूं, एक तो आप इसको ऐसे करोगे सॉल्व करोगे जब अपने आप करना ना, मैं तो दूसरा मेथड बता रहा हूं। नाउ व्हाट वी कैन राइट हियर 3x है ना, अगर मैं यहां से 3 कॉमन निकाल लूं यहां पे क्या लिख दूं x प्लस टू यहां पे देखो तो क्या आएगा, देखो ध्यान से देखो आप कहोगे सर यहां पे 3x प्लस 6 आ जाएगा, लेकिन यहां पे क्या अगर मैं साथ में माइनस 6 भी कर दूं, साथ में क्या कर दे माइनस 6, तो देखो प्रॉब्लम हल होती है हमारी बिल्कुल हो जाएगी ना, 3x प्लस टू अपॉन यहां पे अब अगर हम ऐसे लिख दें x प्लस टू का होल स्क्वायर, देखो ना ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 6 माइनस 6 हो जाएगा तो उसके साथ कैंसिल हो जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा माइनस वन अपॉन x प्लस टू का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, देखो अब इसको फिर सेपरेटली कर दो, सेपरेटली का मतलब ये देखो 3x प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू का स्क्वायर, ये सारा इंटीग्रेशन चल रहा है इसमें इंटीग्रेशन नहीं, माइनस 6 अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा देखो ये यहां पे भी इंटीग्रेशन है यहां पे भी इंटीग्रेशन है ना, ये ध्यान से देखो ये, अब ये देखो ये तो इसके साथ एक तो क्या हो गया कैंसिल हो गया, एक्स प्लस टू की पावर क्या थी 1, यहां पे एक्स प्लस टू की पावर क्या थी 2, तो ये 3 बाहर आ गया तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया 3 लॉग एक्स प्लस टू। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम, देखो ये 6 अपॉन एक्स प्लस टू का स्क्वायर है, ये 1 अपॉन एक्स प्लस टू का स्क्वायर है, माइनस माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहां पे क्या रहेगा माइनस सेवन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, यहां से दिख रहा है आपको देखो मैं यहां पे दिख नहीं रहा ना, ऊपर कर रहा हूं इसको, ये देखो यहां तक तो दिखाई दिया आपको ना, यहां तक ये तो इसका तो इंटीग्रेशन क्या कर दूंगा मैं यहां पे 3
लॉग एक्स प्लस टू, ये आ गया बेटा। अब यहां पे ये माइनस सिक्स देखो, ये है ना यार, ये देखो माइनस सिक्स अपॉन एक्स प्लस टू का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू का स्क्वायर। अब मैंने ये वन अपॉन एक्स प्लस टू का स्क्वायर क्या निकाल दिया कॉमन, तो ये क्या रहेगा माइनस सिक्स माइनस वन, माइनस सिक्स प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन क्या आ जाएगा माइनस, माइनस सेवन अपॉन आ जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने माइनस सेवन अपॉन, माइनस सेवन ही बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया वन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। अब इसको क्या कर दो, ये तो हमने इंटीग्रेशन की हुई है थ्री लॉग एक्स प्लस टू माइनस सेवन, अब ये एक्स प्लस टू की पावर ऊपर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स प्लस टू की पावर माइनस टू है ना, अब ये क्या हो जाएगा थ्री लॉग एक्स प्लस टू माइनस सेवन, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा प्लस वन करोगे, प्लस वन करके नीचे आ जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस टू की पावर वन है ना, देखो प्लस टू करो प्लस वन करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा, माइनस वन करोगे तो नीचे पावर आ जाएगी ना, तो माइनस वन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस वन प्लस सेवन हो जाएगा, तो ये आंसर होना चाहिए बस, देखो दिस शुड बी द आंसर है ना, चेक कर लेते हैं हम एक बार आंसर इसका, ये कौन सा समय 14 है, ये तो फिर इस मेथड से भी आप कर लोगे एक बार, ये था इसका 7.5 थ्री लॉग एक्स माइनस टू क्यों आ रहा है यहाँ पे, थ्री एक्स प्लस टू था माइनस टू था, ये देख लो मैंने स्टेटमेंट ना गलत लिख दिया, स्टेटमेंट यहाँ पे कहाँ पे गड़बड़ हो गई है, 7.5 का 13 एक्स प्लस टू का स्क्वायर है यार, यहाँ पे माइनस टू क्यों आ रहा है, देखना पड़ेगा ये, चलो थ्री लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस टू प्लस सेवन अपॉन एक्स प्लस टू, ये तो सही है लेकिन यहाँ पे लॉग एक्स माइनस टू क्यों आ रहा है, चलो बाय मिस्टेक भी हो सकता है यहाँ पे ना, देखो हमारी तो नहीं गलती है, यहाँ पे माइनस आ रहा है पीछे, बाकी तो सारा सही है, चेक कर लेना कहीं पर कोई गलती तो नहीं की हमने, मिस्टेक की हो ना कोई, हमसे मिस्टेक हो गई हो, वैसे हुई तो है नहीं है, थ्री एक्स प्लस टू था तो एक्स प्लस टू ही आएगा, एक्स प्लस टू था तो एक्स प्लस टू ही आना था, एक्स प्लस टू लॉग, चलो चेक कर लेना वैसे सही आंसर हो सकता है, पीछे गलती हो यहाँ पे, तो नोट ऑन द क्वेश्चन। नाउ सबसे पहले क्या करोगे, यू विल सी हियर दैट क्या क्या करना चाहिए सोचो थोड़ा सा, व्हाट वी शुड डू, वन अपॉन एक्स की पावर फोर माइनस वन है, तो इसके फैक्टर करो है ना, पहले तो ये देखो वो है प्रॉपर तो है ही है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन तो है ही है, अब इसको क्या करोगे आप, हमें क्या करना चाहिए बेटा, आप भी सोचो, फैक्टराइज करो इसको, फैक्टराइज कैसे करेंगे देखो, वन अपॉन एक्स स्केयर की पावर स्केयर माइनस वन की पावर स्केयर, ऐसे लिख दो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, एक्स फोर आएगा माइनस वन का स्केयर तो क्या आएगा, ये आएगा, तो नाउ व्हाट वी कैन राइट टू दिस, वन अपॉन एक्स स्केयर माइनस वन ए माइनस बी ए प्लस बी, ये आ गया, अब देखो इसके फिर फैक्टर्स बना दें, इसके एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, यहां पे क्या होगा एक्स स्केयर प्लस वन, अब ये देखो ये वो फॉर्म बन गई, एक लीनियर है एक साथ में क्या आ रही है क्वाड्रेटिक, अब यहां पे लीनियर दो आ रही है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, देखो एक वाली लीनियर मैंने क्या बताई थी ए अपॉन क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन प्लस डी एक्स प्लस सी अपॉन को क्वाड्रेटिक हो जाती है, ये फॉर्म किया ना हमने, जब एक क्या हो लीनियर हो एक क्या हो क्वाड्रेटिक, तो ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस डी एक्स प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक का स्क्वायर, क्वाड्रेटिक जो आएगी, अब यहां पे लेकिन दो है तो कोई बात नहीं है, अब दो से बात करा देंगे, इसके लिए क्या करेंगे देखो, दिस इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी एक्स प्लस डी, ये याद रखना, यहां पे देखो यार ए है ना ए की धार, तो ए आ गया बी एक्स प्लस सी आया था, बी वहां पे काउंट कर लिया तो वहां पे क्या देगा सी एक्स प्लस डी, हाँ अगर एक और होता यहाँ पे लीनियर तो वो और आगे चला जाता डी एक्स प्लस सी में चला जाता, नो प्रॉब्लम, ये मैं आपने याद रखना है, ये थोड़ा उसमें गिवन नहीं था तो ये हमने अपनी तरफ से ये बनाया, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब ये इसके इक्वल है देखो, इसको ऐसे लिख दिया ना हमने, सो नाउ व्हाट यू कैन राइट हियर, तो ये इसका एलसीएम तो ये आएगा ना जो इधर आ रहा है एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये एलसीएम आएगा, तो ए के साथ क्या आएगा एक्स प्लस वन
एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी, बी के साथ क्या आ जाएगा एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी एक्स प्लस डी, इसके साथ क्या आएगा भाई, इसके साथ क्या आएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन यही आएगा। देखो देखो ना ये हमने इसका एलसीएम लिया बेटा, एलसीएम ये आएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये एलसीएम आएगा। तो फिर इसके साथ ए एक्स प्लस वन आना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। अब इसकी क्या निकाल लो, जीरो निकाल दो। और इधर क्या है, ये किसके इक्वल है, वन के, है ना। तो अब एबीसी की वैल्यू निकालेंगे हम, हाउ यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एबीसी, यहाँ पे वन था ना, ये पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पुट कर दो, माइनस वन पुट करेंगे जे जीरो बन जाएगा, माइनस वन पुट करेंगे ना जे जीरो नहीं बनेगा, ये भी जीरो बन जाएगा, एक्स माइनस वन पुट करोगे जे भी जीरो आ जाएगा, जब एक्स इज इक्वल टू क्या पुट कर दिया हमने माइनस वन, तो ये क्या बचेगा इधर वन इज इक्वल टू ये भी जीरो, तो ये माइनस वन ये कितना हो जाएगा माइनस टू, माइनस टू हो गया ये माइनस टू माइनस वन प्लस वन टू माइनस फोर बी, ये क्या आ गया माइनस फोर बी, तो बी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे माइनस वन बाय फोर, ये आ गई वैल्यू, ये आ गया यहाँ पे दिखाई दे रहा आपको, चलो ठीक है यहाँ पे दिख रहा है माइनस वन बाय फोर, ये वैल्यू आ गई किसकी बी की। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी सी डी चारों की वैल्यू निकालनी है, ये ध्यान में रखना, ये रब कर दे रहा हूँ वैल्यू आ गई, तो एक बार फिर कोई चक्कर नहीं है। अब देखो उसके बाद अगर हम एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दें, वन पुट कर दें, एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दें वन, देखो यहां से जीरो निकाली थी माइनस वन आई थी पहले, मैंने माइनस वन पुट कर दिया, अब एक्स इक्वल टू वन पुट कर दो, वन पुट करोगे तो इधर क्या है वन इज इक्वल टू वन प्लस वन टू, वन प्लस वन टू 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 जार फोर ए, यहां पर क्या बन गया फोर ए, यहां पर वन पुट करोगे ये जीरो हो जाएगा, यहां पर वन पुट करोगे ये सारा जीरो हो जाएगा, तो बी की ए की वैल्यू क्या आ गई ए इज इक्वल टू वन बाय फोर। अब देखो ये तो हमने पुट कर ली, बस इसकी वैल्यू पुट करनी थी ना वो आ गया, अब हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए की भी आ गई बी की भी आ गई ना, अब सी और डी की वैल्यू पुट करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना ही पड़ेगा। तो देखो कंपेयर क्या करना है, हमने मैं दोबारा लिख रहा हूं यहां पे वन इज इक्वल टू क्या था ए एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ये आ गया। अब यहां पे कंपेयर करो वैल्यू, किसकी वैल्यू, मैंने सी देखो भी सी किसके साथ आ रहा है, सी इन्हें तो किसी के साथ आ नहीं रहा ना, सी किसके साथ आएगा सी एक्स, देखो सी एक्स क्यूब आएगा यहां पे, जब इसको इसके साथ इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूं, देखो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, इसको अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये देख लो आपको दिख रहा है यहां से दिख रहा है ना भैया एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो सी एक्स क्यूब आएगा ना यहाँ पे, क्या आएगा सी एक्स क्यूब, तो यहां पर देखो सी एक्स क्यूब किस किसके साथ आ रहा है, ये देखो ध्यान से इधर तो एक्स क्यूब का एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है इधर जीरो है, एक्स क्यूब का कोफिशियंट क्या है जीरो, क्योंकि इधर एक्स क्यूब वाली टर्म ही नहीं है, तो अब यहां पे क्या आएगा ए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब आएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए, ए आ गया यहाँ पे। दूसरा ये देखो बी एक्स एक्स क्यूब आएगा यहाँ पे, आ जाएगा क्या आ जाएगा प्लस बी आ जाएगा, उसका कोफिशिएंट लिख रहा हूँ आप पूरा इसको खोल के लिख के देख लो, है ना, मैं तो सीधा लिख रहा हूँ क्योंकि हमें सीधा पता लग रहा है कि ये क्यूब एक्स क्यूब वाला मैं ढूंढ रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा सी एक्स क्यूब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी सी आ जाएगी वैल्यू। अब सी की वैल्यू यहां से निकाल दो, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू क्या निकाली थी हमने वन बाय फोर, जीरो इज इक्वल टू वन बाय फोर, बी की वैल्यू क्या निकाली है माइनस वन बाय फोर प्लस सी, तो ये क्या आ गया सी, तो क्या आ गया जीरो आ गया भाई, सी तो सी क्या आ गया हमारे पास जीरो आ गया। अब किसकी वैल्यू निकालनी है डी की, डी देखो किस में आ रहा है, डी आएगा यहाँ पे कॉन्स्टेंट के साथ आएगा, एक्स स्क्वायर के साथ भी आएगा ना, एक्स
स्क्वायर के साथ भी आ जाएगा। देख लो आप जिसके मर्जी कर लो, देखो डी यहां पे आना है ना, तो डी और तो किसी में आ नहीं रहा इधर, तो सिर्फ इसमें आएगा। तो ये किसके साथ आएगा, देखो सी एक्स क्यूब, अगर इसको खोलोगे तो सी एक्स क्यूब माइनस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी, या तो कॉन्स्टेंट के साथ आ रहा है डी या एक्स स्क्वायर वाले के साथ आ रहा है ना। तो एक्स स्क्वायर का यहां पे कोफिशिएंट भी फिर देख लो आपकी इच्छा, चाहे आप कॉन्स्टेंट वाला कर लो चाहे आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कर लो, क्योंकि मुझे तो डी निकालना है ना। चलो एक्स स्क्वायर वाला कर लेते हैं, इसका एक्स स्क्वायर वाला। तो यहां पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कौन सी आएगी, देखो एक्स इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, फिर वन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो वन एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर वाला जीरो आ गया, यहां पे एक्स स्क्वायर होगा ना, एक्स स्क्वायर तो ए आ जाएगा यहां पे, तो ये क्या आ गया कॉन्फ्यूजन, ए आ गया। यहां पे देखो एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी आ गया। आपको ये समझ तो आ रही है ना, मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूं आपको, कौन सी वैल्यू कंपेयर कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर की। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस बी, प्लस क्या गया डी। अब ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू ए इज 1/4 माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी थी -1/4, तो ये क्या हो गया 1/4 प्लस डी, तो डी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू क्या हो गया 1/4, 1/4 हाफ प्लस डी, तो डी इज इक्वल टू क्या हो गया -1/2 आ गया। डी की वैल्यू क्या आ गई -1/2, तो देखो सी ये आ गया, डी इज इक्वल टू क्या आ गया -1/2। तो नोट करके देखो इसको, दोबारा देखो एक बार, पॉज करके देखो वीडियो, तब तक मैं रब करूंगा। नाउ व्हाट इज देयर, अब इसको पुट कर दो आप इसमें ना, ये लिखा था हमने ए, ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू 1/4, अलग अलग करके लिख रहा हूं मैं ए की वैल्यू, ये तो देखो बेटा यहां पे पुट कर रहे हैं हम, ए की वैल्यू क्या थी 1/4, 1/4 अपॉन 1/(x-1) प्लस बी, बी की वैल्यू क्या आई है -1/4, तो यहां पे क्या आ जाएगा -1/4, तो अंदर क्या रहेगा 1/(x+1) प्लस सी एक्स प्लस बी, सी एक्स, सी तो जीरो था, जीरो इंटू एक्स क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि सी जीरो था, जीरो हो गया, प्लस बी माइनस आ गया -1/2, तो यहां पे क्या कर दो -1/2, -1/2 अपॉन में क्या हो जाएगा x2+1 अब कुछ नहीं, आप इसका क्या कर दो इंटीग्रेशन कर दो, ये क्या आ जाएगा 1/4 log x-1 -1/4 log x+1 -1/2, ये होता है 1/(x²+a² रह जाता है 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a तो 1/1 ही आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख लो आप, क्या लिखोगे, ये 1/4 बाहर निकाल दोगे, log 1/4 ये क्या रहेगा log m माइनस log n, तो ये क्या हो जाएगा log m अपॉन log n, ये याद रखना ये log m माइनस log n है ना, तो -1/2 tan इनवर्स x+c, तो ये बन गया ये हमारा आंसर। तो ये ध्यान से देखो आप सवाल ना, बहुत अच्छा सवाल था, m1/(x²-1) था, पहले हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी, फिर ये फॉर्मूला में अभी आया नहीं था उसमें, तो ये हमने मतलब वो था, ये अगर ये ना होता ना तो ये क्या होगा a/(x+1)+bx+c था, तो अब यहाँ पे दो थे तो दो लिख लिया हमने a/(x-1)+bx+1)+cx+d/(x²+1), तो ये लिख के हमने एबीसी की वैल्यू निकालनी बहुत जरूरी है, वो आगे तो उसके बाद बिल्कुल आसान सा सवाल बन जाना है। तो ये देखिए तब तक हम करते हैं नेक्स्ट सम, है ना। नाउ c16 सम 1/(x)(n+1) है ना, ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, यहाँ पे अब हमें कुछ इसके बाद 3-4 सवाल ऐसे आएंगे जो हमें इसके बेस्ड ही करने हैं। सोचो अब यहाँ पे ना वो कोई पार्शियल फ्रैक्शन वाली तो बात है नहीं, x^(n+1) है, ये 1 है या 2 है या 3 है या 4 है हमें नहीं पता है ना, x^, अगर क्वाड्रेटिक होती तो हम सीधा लिख लेते हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा हम एक चेंज करेंगे, क्या देखो इधर इसमें क्या करना चाहिए हमें, यहाँ पे x^(n-1) के साथ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ऊपर भी और नीचे भी, x^(n-1)(x), ये बता रहा हूं ये क्यों किया ना, ये भी आपको अपने आप समझ आ जाएगी भी क्यों किया ये इसमें। और यहाँ पे क्या है dx है, देखो जब ये मल्टीप्लाई करने के बाद देखो ये क्या आ जाएगा x^(n-1)(dx) अपॉन
यहाँ पे वन है ये वन है, तो ये क्या आ जाएगा x की पावर n, x की पावर n प्लस वन, ये आ जाएगा। देखो देखो ये पावर वन थी, वन ये बेस सेम है तो x n माइनस वन प्लस वन, तो क्या रह जाएगा x की पावर n रह जाएगा। अब देखो क्या कर दोगे, पुट कर दो, अब क्या पुट कर दो, x की पावर n इज इक्वल टू t पुट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव n x की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू dt बाय dx, तो ये क्या आ गया n x की पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, है ना। अब ये देखो नाउ व्हाट विल बिकम दिस, बात हम सिर्फ इसकी कर रहे हैं ना अभी, तो ये क्या आ गया x रेज पावर n माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे क्या आ गया n हट गया यहां से, यहां इसके नीचे आ गया dt पॉन क्या आ गया n, तो यहां पे dt पॉन क्या रहा था n, तो dt तो ऊपर रह गया dt अपॉन n, वन अपॉन n मैंने बाहर निकाल दिया, तो क्योंकि dt अपॉन n था ना बेटा, यहाँ पे dt अपॉन क्या रहा था n आ रहा था, ये देखो dt अपॉन क्या रहा है n, तो dt अपॉन n तो बाहर आ गया ना, यहाँ पे dt वहां पे रह गया, वन अपॉन n बाहर निकाल दिया, ये x रे पावर n क्या था t, अब यहाँ पे क्या है t, तो t माइनस t प्लस वन, अब ये लीनियर आ गई दोनों ही, अब इसको सिंपल आप बना लो, इसको क्या कर सकते हो, देखो वन अपॉन n तो ऐसी रहेगा ना, वो तो बाद में हम ना यहाँ पे आंसर जो आएगा वन अपॉन n, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करके हम लिख देंगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो dt अपॉन क्या है t इंटू टी प्लस वन, दिस इज व्हाट यू कैन राइट, a अपॉन t, दोनों लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, तो कौन से सिंपल फॉर्म जो सबसे पहले की थी हमने, a अपॉन t b अपॉन t प्लस वन, तो अब क्या करोगे यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखते हैं ना, मुझे देखो मैंने ऐसे लिख दिया इसको, मान लो ये अभी डेरिवेशन नहीं किया मैंने, मान लो जो भी अभी ऐसे आ गया, यहाँ पे वन था ना, यहाँ पे डीटी भी नहीं लिया, तो नो प्रॉब्लम, वन अपॉन ये लिख लेते हैं ना इसको, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा वन इज इक्वल टू ए, तो ये क्या आ जाएगा टी प्लस वन प्लस बी टी, अब टी पहले क्या पुट कर दो जीरो, क्योंकि इसकी जीरो क्या है टी बी टी इक्वल टू, इसकी जीरो क्या आएगी टी इक्वल टू जीरो आएगा, तो टी इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा वन इज इक्वल टू टी जीरो ए, ए की वैल्यू क्या आगी वन, तो अब t इज इक्वल टू माइनस वन पुट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा वन इज इक्वल टू माइनस वन प्लस वन जीरो, तो ये माइनस बी आ जाएगा, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस वन, ये आ गया, ये b की वैल्यू आ गई, अब इसको ऐसे लिख लो आप ना सिर्फ इसको, ये क्या लिख लेते हैं dt अपॉन t t प्लस वन, तो ये इसको हमने क्या लिखा था a अपॉन t प्लस b अपॉन t प्लस वन, a की वैल्यू क्या है वन अपॉन t प्लस माइनस वन अपॉन टी प्लस वन, ये माइनस यहां से हट के यहां पे आ जाएगा, अब इसका क्या कर दो इंटीग्रेशन कर दो अलग अलग, तो ये क्या हो जाएगा लॉग टी माइनस लॉग टी प्लस वन, ये तभी कर सकते हैं अगर यहाँ पे डीटी होगा, ये हमारे पास डीटी आ रहा था यहाँ पे ना, ये याद रखना ये डीटी है यहाँ पे, है ना डीटी, तो ये हो गया लॉग टी माइनस लॉग टी प्लस वन प्लस सी, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर रहा था हमने वन अपॉन एन तो बार है ही है ना, वन अपॉन एन तो बार है ही है, पहले ये लिख दो लॉग टी टी, इसको लॉग एम माइनस लॉग एन लिखना तो लिख दो, नहीं तो ऐसे भी लिखा रहने दो ना, लॉग टी अपॉन टी प्लस वन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लॉग एम माइनस एन क्या हो जाएगा लॉग टी अपॉन टी प्लस वन, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दो इसकी टी की, टी क्या लिया था हमने t का भी पुट किया बेटा t t, ये x रे पावर n इज इक्वल टू t, तो यहाँ पे क्या रह गया x रे पावर n अपॉन x रे पावर n प्लस वन, है ना प्लस c, तो यहाँ पे लिख दो, अब ये यहाँ पे क्या आ जाएगा इसकी इंटीग्रेशन वन अपॉन n तो बात फाइव, तो व्हाट विल बिकम दिस लॉग x रे पावर n अपॉन x रे पावर n प्लस वन, ये आ गया हमारे पास, है ना ये ये लिखना है ब्रैकेट लिख दो नहीं तो ऐसे ही रहने दो प्लस सी, ये आंसर आ गया हमारे पास प्लस सी, ये कुछ नहीं है तो वैसे मैंने लगा दी जाए, तो ये आंसर आ जाएगा इसका, चेक कर लो आप आंसर और नोट इट डाउन। नाउ यहाँ पे क्या है 17 सब देखो कॉस एक्स पॉन वन माइनस एक्स साइन एक्स और टू माइनस साइन एक्स, ना आप खुद कर सकते हो, देखो क्या करना चाहिए हमें, साइन एक्स को क्या मान लो टी मान लो ना, वैसे तो वही है ये फॉर्म, ये भी लीनियर है ये भी लीनियर है, ये वहां पे सिंपल एक्सप्रेशन होता है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन फिर भी आप जो कर लो इसको क्या कर दोगे पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स
इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये पता है ना डी एक्स कहां से आ गया, डी टी बाई डी एक्स। तो अब ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन क्या बन गया, कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन वन माइनस टी वन टू माइनस टी। तो ये आप खुद करोगे अब अगे ना, अगर तो फिर आपको पता ही है ये क्या करना है, ए अपॉन वन माइनस टी प्लस बी अपॉन टू माइनस टी। तो यहां से मेरे ख्याल से आप खुद कर लोगे, फिर वही सारा वो क्या आ जाएगा जी, वन इज इक्वल टू ए टू माइनस टी प्लस बी वन माइनस टी। यहां पे आप वो कर लो अब कंपेयर करके, या टी इक्वल टू टू पुट करोगे पहले तो ए बी की वैल्यू निकाल दो, ए बी की वैल्यू क्या आएगी, टी इक्वल टू टू पुट करोगे टू माइनस टू जीरो, तो वहां पे टू माइनस टू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस बी। देखो ना टू पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वन माइनस टू माइनस वन माइनस बी आ जाएगा, तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस वन आ गया। और यहाँ पे क्या कर दोगे, अब टी इज इक्वल टू वन पुट कर दो, वन इज इक्वल टू वन पुट करोगे तो क्या आ जाएगा ए, और ये जीरो हो जाएगा, ए की वैल्यू वन आ गई, यहाँ पे पुट कर दो तो ये लॉग वन माइनस टी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस टू लॉग माइनस बार ले लेना। तो ये था ये सवाल, ये अब पूरा करो कंप्लीट अपने आप करो ना। सो नाउ वी विल डू नेक्स्ट सम, नाउ सी 18 सम। यहाँ पे देखो एक जैसा मुझे लग रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस फोर। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो ये ना प्रॉपर में नहीं है ना, प्रॉपर में नहीं है तो थोड़ा सा एक्स स्क्वायर की वजह से थोड़ा ना अलग सा लग रहा है ना, तो हमने वैसे ही लिख दिया। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, लेटर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई कर दिया मैंने, वैसे जस्ट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रख दिया वाई। तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस इक्वेशन, ये देखो वाई प्लस वन वाई प्लस टू अपॉन वाई प्लस थ्री वाई प्लस फोर, और यही पे डीएक्स ही है, ये इस बात का ध्यान रखना यहाँ पे डीएक्स है अभी है ना। अब मैं सिर्फ इसको ले रहा हूं यहाँ पे, इसको अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दू ना तो ये क्या आ जाएगा वाई स्केयर प्लस वाई प्लस टू वाई, तो प्लस थ्री वाई हो जाएगा प्लस टू है ना, यही आएगा देखो वाई वाई स्केयर टू वाई वाई आ जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई स्केयर प्लस थ्री वाई प्लस सेवन वाई प्लस ट्वेल्व ही आ जाएगा ना, इंटू डी एक्स ये आपने अभी। अब सबसे पहला कंसेप्ट क्या होता है हमारा, जब ये पावर सेम है ना, इसकी डिग्री टू है, इसकी भी डिग्री टू है, मतलब सेम है, न्यूमिनेटर की डिग्री से कम नहीं है, तो इम्प्रॉपर है ये, तो उसको क्या करोगे डिवाइड करोगे। डिवाइड कैसे करते हैं सुनो इधर, वाई स्केयर प्लस थ्री वाई प्लस टू अपॉन वाई स्केयर प्लस सेवन वाई प्लस ट्वेल्व, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो तो ये क्या आ जाएगा वन आएगा यहां पे, पहले वाई स्केयर प्लस सेवन वाई प्लस ट्वेल्व। अब इसको क्या करता हूं माइनस कर दो, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस फोर वाई माइनस टेन, ये आ गया ना। अब यहां पे देखो यही आएगा, अब इसको लिख लो, इसको कैसे लिख लोगे आप, यू कैन राइट दिस वन प्लस ये ऊपर चलाएगा माइनस फोर वाई माइनस टेन अपॉन वाई स्केयर प्लस सेवन वाई प्लस ट्वेल्व, देखो यही आएगा इसको डिवाइड करके, हाँ यही आने वाला है इसको डिवाइड करके, तो यही आ जाएगा इसको डिवाइड करते हैं। तो अब क्या करोगे इसको, अब इसको क्या लिख लेंगे हम, देखो इधर इसको लिख दो अब यहां पे, थोड़ा सा लेंथी हो रहा है सवाल। अब इसका तो इंटीग्रेशन कोई चक्कर नहीं है ना, यहाँ पे डी एक्स ही चल रहा है साथ में, डी एक्स यहाँ पे भी क्या है। अब ये भी बात सुनो, यहां से माइनस कॉमन निकाल के मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहाँ पे वन था यहाँ पे माइनस, तो ये क्या हो जाएगा फोर वाई प्लस, ये यहां से माइनस कॉमन निकाल दिया मैंने। अब देखो अब इसके नीचे तो फैक्टर हमने बना ही रखे थे ना, ये देखो अब ध्यान से क्या करोगे, अब इसका इंटीग्रेशन करना मुझे ना, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये डी एक्स है यहाँ पे वाई की फॉर्म में है, सिर्फ जस्ट इसको देख रहा हूँ कि इसको कैसे लिखूंगा मैं, देखो ये देख लो मान लो अलग अलग है यहाँ पे ना, ये इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, ये भी क्या कर दिया इंटीग्रेशन कर दिया, डी एक्स है इसका तो कोई चक्कर ही नहीं है, इसका तो क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा माइनस, फिर इसका कैसे करोगे ना, इसका इंटीग्रेशन करना है अभी मैंने, देखो ये है क्या, ये यहाँ पे ये है फोर वाई प्लस टेन अपॉन वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई प्लस
12 ये है यहाँ पे इंटू डी एक्स है साहब ने, ये बात ध्यान में रखना है। अभी यहाँ पे क्या है डी एक्स है, देखो अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा 4y + 10 अपॉन y² + 7y + 12। अब इसको क्या लिखोगे 4y + 10 अपॉन, इसके फैक्टर्स बना लो, इसके फैक्टर्स पहले बने हुए थे ये y + 3 y + 4 था, y + 3 y + 4 ये था। अब इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, दिस इज इक्वल टू a अपॉन, इसको ऐसे लिखते हैं ना a अपॉन y + 3 + b / y + 4। ये वाली बात समझ आ रही है, सिर्फ यार इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने इसके क्या बनाए फैक्टर बनाए, फैक्टर बनाने के लिए ये कर दिया, लेकिन यहाँ पे dx है याद रखना, यहाँ पे ये हो गया। अब इसको क्या लिखोगे आप 4y, अब इसकी 4y + 10 इज इक्वल टू ये क्या लिखा a इंटू y + 4 + b / y + 3। कुछ नहीं है यार, ये सिर्फ एक अलग से सॉल्व कर दिया मैंने, ये देखो x² को पहले y पुट किया था, ये कर दिया डिवाइड किया करके, डिवाइड करके ये आ गया। अब यहाँ पे सिर्फ इसका इंटीग्रेशन तो dx था 1 था, x आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे करूंगा, यहाँ पे dx है यहाँ पे y है, पहले मैंने इसको ऐसे लिखा, फिर इसको 4y को इसके क्या बना दिए फैक्टर बना दिए, ऐसे लिख लिया, फिर a पर y + 3 + b / y + 4। तो अब क्या करोगे इसको कंपेयर करके, वही इसकी जीरो पहले y = क्या पुट कर दो -3, y - 3 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा -12 + 10, ये y क्या पुट किया था -3, तो -3 + 4 = 1a, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया -2 आ गया। अब यहां पे क्या पुट कर दो y इज इक्वल टू क्या पुट कर दो -4, तो ये जीरो बन जाएगा y - 4, तो -16 + 10 ये जीरो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -4 - b हो जाएगा, तो b = -6 = क्या आ गया -b, कैंसिल हो गया, b = क्या आ गया 6 आ गया मेरे पास। तो अब इसको क्या लिखोगे आप यहां पे देखो, पहले तो ये लिखा ना हमने 4y + ये, तो व्हाट विल बिकम दिस इक्वल टू a कितना था -2 अपॉन y + 3, यहां पे dx है ये बात ध्यान में रखना, +b कितना था 6 अपॉन y + 4। मान लो ये इंटीग्रेशन है ऐसे अलग अलग, यहां पर मैंने सीधा लिख दिया dx है। अब इसका इंटीग्रेशन ऐसे मत कर देना, पहले y को चेंज करो, पहले क्या करेंगे y को चेंज करेंगे अब यहाँ पे हम, है ना, तभी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, नहीं तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हम, इस बात का खास करके ध्यान रखना, यहाँ पे पहले चेंज करना पड़ेगा। y क्या था y = x², तो ये -2 तो मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ पे क्या रहेगा 1 / y की जगह पे क्या पुट करोगे x² + 3 × dx। मैं फिर कह रहा हूं यहाँ पे बेटा, इसलिए मैं dx साथ में लेके चल रहा था, यहाँ पे dx है, जब तक वो वेरिएबल x में नहीं आ जाता तब तक हम क्या इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। सो नाउ व्हाट विल बी देयर, 6 बार आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 1 dx / x² + 4। अब देखो अब इसका क्या करता हूं इंटीग्रेशन कर दो, x² + a² है ना, इसका क्या होता है 1 अपॉन, सुनो इधर -2 तो है ही है ना, ये आता है 1 अपॉन a, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा √3 का स्केयर लगा देंगे, पहली बात तो ये है √3 का क्या लगा दिया स्केयर, यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 2 का स्केयर हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला लगा दो x² + a² वाला, तो व्हाट विल बिकम दिस 1 अपॉन a tan इनवर्स x / a + 6 × 1/a, 1/a कितना है 2, tan इनवर्स x / 2 + c, और साथ में इसके क्या आया हुआ है यहाँ पे x, ये क्या आया हुआ है x, यहां पे लिख रहा हूं बेटा यहां पे मैं x माइनस था ये, तो ये इसके साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे ना, यहाँ पे जो देखो x माइनस था ना ये, मैं यहाँ पे ये सारा ब्रैकेट में पुट करूंगा तो बाहर माइनस है, उसके साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस 2 3 6। इसका आंसर जरूर चेक कर लेना ना एक बार, सो ये आ गया x + 2 √3 tan inverse x / √3 - 3 tan inverse x / 2 + c, तो इस बात का ध्यान रखना। सो नोट इट डाउन, नाउ सी 19th सम, नाउ व्हाट इज देयर बेटा 2x / x² + 1x² + 3। अब यहाँ पे दोनों ये क्या है क्वाड्रेटिक है ना, ऐसा हमने पढ़ा नहीं है कोई, लेकिन जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, क्या है एक्स स्क्वायर, और ऊपर क्या है 2x, तो हम ये पुट कर सकते हैं, देखो पुट
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या टी पुट कर दो, तो ये क्या आपने इसका डेरिवेटिव कर लो क्योंकि ऊपर 2x पड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू dt बाय dx, तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस 2x dx इज इक्वल टू dt, तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस इक्वेशन जिस मतलब इंटीग्रैंड, तो ये क्या हो जाएगा 2x dx क्या हो जाएगा dt अपॉन t प्लस 1 t प्लस 3, ये आ जाएगा t प्लस 3, ये आ गया ना तुम्हारे पास। अब इसका आप फिर वही क्या करोगे, दोनों लीनियर है ये भी लीनियर, तो क्या कर दोगे बेटा इसको a अपॉन क्या लिखोगे t प्लस 1 प्लस b अपॉन t प्लस 3। अब इसको आप कर सकते हो आसानी से अपने आप ले रहा ना, ये क्या हो गया 1 है, इधर इधर क्या है यहाँ पे 1, 1 इज इक्वल टू a t प्लस 3 प्लस b t प्लस 1, ये आ जाएगा। अब इसे यहां से a और b की वैल्यू निकाल लो, आप वैसे ही कंपेयर करके एक बार t माइनस 3 पुट कर दोगे, एक बार t क्या पुट कर दोगे t माइनस 1, और यहाँ पे t क्या पुट कर दोगे एक बार माइनस 3, ए बी की वैल्यू निकल जाएगी। और वहां पे यहाँ पे देखो यहाँ पे dt आ रहा है, तो आप यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन dt के साथ ही कर दोगे, यहाँ पे dt लिख के ऐसे कर दोगे ना, a और b की वैल्यू निकाल के और बाद में t की वैल्यू पुट कर दोगे। लेकिन इससे पहले वाले सवाल में मैंने बताया था आपको, पहले उसकी y की वैल्यू पुट करनी थी, उसके बाद x स्क्वायर आना था, x आएगा और फिर उसके बाद ही आप उसका इंटीग्रेशन कर सकते थे। तो ये आप 19 सवाल भी आप अपने आप करोगे, तो है ना बिल्कुल आसान है ये, डू इट योर सेल्फ। नाउ आई विल डिस्कस 20th सम, नाउ वी विल डू 20th सम। अब देखो इसका भी हमारे पास कोई ना, या तो ऐसा कर लो इसको ना, इसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेकिन वो लेंथी सा हो जाएगा थोड़ा सा ना। तो आपने इस फॉर्म को देखो ऐसे बिल्कुल शॉर्ट सा सवाल आता है वहां पे जब फाइनल एग्जाम में आना है जो है ना, ऐसे आते हैं मतलब, और फिर बंदा सोचता है यार कौन सा टाइप करूं कैसा टाइप करूं, तो वहां पे अगर पार्शियल लगाओगे तो वो बहुत मतलब थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। अब सोचो यहाँ पे अगर एक्स 4 है, अगर किसी प्रकार 4x का मैं देखो यहाँ पे मैंने अगर पुट करना हो पुट एक्स 4 इज इक्वल टू टी, तो यहाँ पे क्या आएगा 4x क्यूब इंटू डीएक्स इज इक्वल टू क्या आएगा डी टी आएगा। अगर ऊपर क्या बन जाए 4x क्यूब डीएक्स आ जाए ऊपर अगर अप आ जाए, तो मैं क्या करूंगा देखो मल्टीप्लाई कर दू, देखो इधर मल्टीप्लाई ऊपर क्या कर दिया 4x क्यूब है ना, अगर ऊपर मल्टीप्लाई किया है dx तो ऊपर था ही, तो यहाँ पे नीचे x है इंटू क्या कर दो 4x क्यूब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x 4 माइनस 1, देखो ध्यान से अब क्या बन गया बिल्कुल आसान सवाल बन जाएगा ये 4x क्यूब dx अपॉन ये क्या बन जाएगा 4x 4 x की पावर 4 माइनस 1 है ना, ये बन गया। अब ये 1 बाय 4 तो बाहर निकाल दो, 1 बाय 4 यहाँ पे क्या रह जाएगा 4x क्यूब dx अपॉन एक्स 4 एक्स 4 माइनस 1। अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए सोचो अब आप भी क्या करना चाहिए। नाउ यू हैव टू पुट एक्स रेज पावर 4 इज इक्वल टू क्या पुट कर दो टी पुट कर दो बेटा, नाउ व्हाट विल बिकम दिस 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। अब यहां पे 4x क्यूब प्लस dx इसकी जगह पे क्या आ जाएगा dt आ जाएगा ना, तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस ये मैं रफ करता हूं थोड़ा सा यहां से, ये क्या आ जाएगा दिस विल बिकम 1 बाय 4 यहां पे 4x क्यूब dx 4x क्यूब dx dt आ गया यहां पे dt अपॉन x 4 क्या पुट किया था हमने t, तो यहां पे क्या आ गया t माइनस 1, ये थोड़ा आसान हो जाएगा और कुछ नहीं है। अब इसको कैसे करोगे देखो 1 बाय 4 को कैसे पढ़ा रहे, तो 1 बाय 4 तो आने, तो ये मैंने यहां पे ये लिख लिया dt अपॉन या ये भी dt भी रहने दो, ये भी ले लिया 1 अपॉन t माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा a अपॉन लीनियर वाली इक्वेशन लगी ना a अपॉन t प्लस b अपॉन t माइनस 1। तो अब इसको क्या लिख लो 1 सीधा लिख दू 1 इज इक्वल टू a t माइनस 1 प्लस b इंटू टी बी इंटू टी, फिर वही इसकी क्या निकालो जीरो से निकालो, जीरो से कैसे निकालोगे इसकी, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो, जब t जीरो आ गया तो ये क्या आ जाएगा t जीरो पुट करो तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a जीरो माइनस a आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 1। फिर b क्या आ जाएगा जब t इज इक्वल टू क्या पुट करोगे 1, ये जीरो हो जाएगा तो t 1 b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहां पे पुट कर दो यार बिल्कुल ही आसान बन जाएगा, अब ये तो
ये माइनस वन अपॉन क्या हो जाएगा टी, और यहाँ पे डी टी है ही है साथ में ना, तो आप इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो आई थिंक ये आप भी अपने आप कर लोगे ना, बिल्कुल आसान से सवाल है ये आपका। अगर आपने ऊपर सारे समय लिया तो ये आप आसानी से कर सकते हो। सो नोट इट डाउन द क्वेश्चन। नाउ सी 21, ये भी बिल्कुल वैसे ही है 20th की तरह। अगर यहाँ पे ई एक्स है ना, ई एक्स है तो हम अगर यहाँ पे ये लिख दे, सुनो इधर, ई रेज पावर एक्स, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे क्या कर दिया, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया इसके साथ, ई रेज पावर एक्स माइनस वन। आई थिंक ये आपको अपने आप अंडरस्टूड होना चाहिए क्यों किया है। ई रेज पावर एक्स इसके साथ कैंसिल होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, तो वही रह गया वो। तो आप पुट कर दो, क्या पुट कर दो, पुट ई रेज पावर एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये क्या हो गया, ई रेज पावर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, डी टी आ गया। सो नाउ व्हाट विल बिकम दिस, ये ई रेज पावर एक्स इंटू डी एक्स क्या आ गया, डी टी अपॉन ये क्या आ गया, टी टी माइनस वन, ये आ गया। अब इसको आप बिल्कुल सिंपल सॉल्व भी कर सकते हो ना, फिर वही क्या करोगे, ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी माइनस वन, ये आप सॉल्व कर सकते हो। आप ए डी की वैल्यू निकालो, इसमें पुट करो, इसका क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो है ना, इंटीग्रेशन इसका लॉग टी आना, इसका लॉग टी माइनस वन आना, और यहाँ पे डी टी तो है ही है ना, ये आप खुद करो। अब आगे 21st सम है ना, 22 में यही बता देता हूँ आपको, 22nd सम, 22nd भी क्योंकि आसान है बिल्कुल, आपने खुद करना है। 22 में क्या है, एक्स डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, ये तो बिल्कुल ही आसान है ना, आप इसको क्या लिख सकते हो भाई, ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू, ये लिख दोगे, इसको कंपेयर करोगे, फिर वो मतलब ये आ जाएगा ना यहाँ पे, एक्स इक्वल टू ए एक्स माइनस टू प्लस बी एक्स माइनस वन, ये आ जाएगा। यहां से ए और बी की आप क्या निकाल दोगे, वैल्यू निकाल दोगे, ठीक है। अब देखो 23rd सम, 23rd क्या करोगे आप, डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ये देखो, ये तो दो मेथड आ गए यहाँ पे है ना, दो का मतलब ये है कि आप या तो ऐसा कर दो, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके भी कर सकते हो आप, है ना, ये देखो ऐसे भी कर सकते हो, ये तो आप ये भी कर सकते हो। पहली बात तो ये सुनो, ये क्या कर दोगे आप, ए अपॉन एक्स प्लस, क्योंकि ये लीनियर है, ये क्या है क्वाड्रेटिक, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, या तो ये मेथड लगा दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, सुनो इधर, या क्या कर दो इसको, मेरे ख्याल से आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर हमने ये क्या कर दिया, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दू एक्स के साथ, तो नीचे भी एक्स के साथ करना पड़ेगा, एक्स ऑलरेडी यहाँ पे है, एक्स ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये आ जाएगा ना। देखो एक्स एक यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे कर दिया ऊपर और नीचे, तो क्या हो गया, एक्स डी एक्स और नीचे एक्स स्क्वायर आ गया एक्स प्लस वन। अब एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर दो, टी पुट कर दो, क्या पुट कर दो, टी, ये तो एक और भी आसान सा ये तो बन गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पुट कर दिया, टी पुट कर दिया हमने, तो इसको क्या बना दोगे, टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो अब ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई टू आ जाएगा, डी टी बाई टू तो वन बाई टू मैंने बाहर लिख दिया, एक्स डी एक्स, तो नीचे क्या आ जाएगा, ये टी इंटू टी प्लस वन, फिर आप इसको क्या लिख लोगे, फिर तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, फिर भी और भी है, क्या हो जाएगा, ए अपॉन वही टी प्लस बी अपॉन टी प्लस वन, इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, नहीं तो एक और आ रहा था मेरे मन में, मल्टीप्लाई करने के बाद अगर एक्स के प्लस वन को ही टी मान ले, फिर थोड़ी दिक्कत आएगी ना, ऐसे यही आना है ना सही, वो तो ये मेथड भी लगा सकते हो अपना, या ये कर लो या ये कर लो, आई थिंक दोनों आप कर सकते हो ना। तो ये था हमारा 7.5 इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन गिव मी कमेंट एंड आई विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो, है ना, आई विल मेक इट क्लियर इन नेक्स्ट वीडियो। तो मैं फिर कह रहा हूँ आपको, इंटीग्रेशन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द क्लास प्लस टू, सो अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आती है तो आगे आपका 8th चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, तो वो भी नहीं आएगा ना। तो अब अभी तक जितनी इंटीग्रेशन हो चुकी है तो लगभग ये समझो कि एक तरह से हो गया, सिर्फ एक बचा हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना, तो उसमें भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी अगर आपको 7.5 तक आती है तो आगे कोई दिक्कत नहीं आनी है। सो दैट वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना।
सो होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.